अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सबा मुकद्दस अपने नए व्लॉग के साथ। और आज का जो व्लॉग है ये जनाब ईद की तैयारियों से मुतलिक है। कल ईद है और सबसे पहले मेरे जो फॉरनर सब्सक्राइबर मुस्लिम बहन भाई हैं उन लोगों को ईद मुबारक और मेरी यूट्यूब फैमिली को भी ईद मुबारक। तो अभी हम लोगों की पाकिस्तानियों की तो कल ईद होगी, तो एडवांस में आप लोगों को भी चांद रात मुबारक भी और ईद मुबारक भी। बकरा ईद स्पेशली ये होती तो मीट की ईद है, गोश्त की ईद होती है। तो फिर भी लेकिन कपड़े जो हैं वो आपको पता है हम आम रूटीन में नए बनाते हैं, तो ईद के लिए स्पेशली हम लोग लाजमी छोटी ईद के और बड़ी ईद के बनाते हैं। तो छोटी ईद पे मैंने कुछ ड्रेसेस लिए थे जो कि मैंने सारे नहीं थे पहने, उनमें से कुछ स्टिच होने वाले पड़े हुए थे जो कि मैंने अब स्टिच करवाए हैं। और बच्चों की शॉपिंग भी मैंने छोटी ईद पे की थी, उनमें से कुछ ड्रेसेस जो थे वो यूज़ हो गए थे, कुछ जो थे वो बचे हुए थे, तो मैंने कहा वो मैं डिवीजन कर लेती हूँ, वो बड़ी ईद के काम आ जाएंगे। इसी तरह हस्बैंड की शॉपिंग भी ऐसे ही है कि आधे उन्होंने पहन लिए और आधे पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं ईद से पहले, मैं किस तरह से ड्रेसेस जो है वो प्रिपेयर करके रखती हूँ और कौन कौन सा ड्रेस जो है वो फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे हम लोगों ने पहनाना है। सेकेंड डे हम लोग का गेट टुगेदर है मेरे ससुराल में मेरे जेठ की तरफ, वहाँ पे हम लोग कुर्बानी करेंगे और इकट्ठे होंगे। यूजुअली ये होता है कि जितनी भी ईद आती हैं मैं अम्मी की तरफ चली जाती हूँ, फर्स्ट डे मेरा वहाँ पे होता है और सेकेंड डे जो है वो मेरा ससुराल में होता है। हम लोग घूमते रहते हैं, थर्ड डे भी इसी तरह से इंजॉय करते हैं और फिर फोर्थ डे हम लोग वापस आ जाते हैं। इसी तरह से रूटीन होती है। तो अभी चूँकि ईद थी तो ईद जब भी ईद आती है तो उसके लिए स्पेशल जो सफाई है वो मैं प्रॉपर तरीके से करती हूँ, जिस तरह किचन की सफाई है, वॉशरूम वगैरह की सफाई है। चूँकि मेरे पास मेड नहीं है कपड़े वॉश के लिए, मेरे पास मेड है तो उसके साथ उसकी हेल्प से कभी कभार मैं किचन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा किचन बहुत बड़ा है तो पूरा एक दिन जो है वो स्पेंड होता है। कल मैंने सारा दिन लगा के किचन साफ़ की है, उनमें से थोड़ा सा टाइम बचा है मैंने वॉशरूम साफ़ किए हैं। तो अभी भी थोड़ी सी तैयारी जो थी वो रहती ही थी और बारिश का मौसम है तो मैंने कारपेट धोना था, लेकिन बारिश के मौसम की वजह से मैंने वो पेंडिंग पे कर दिया कि अब जब ईद गुजर जाएगी तो उसके बाद ये जनाब वॉश कर दिया जाएगा। तो अभी जो जो चीज़ें मैंने रेडी करनी हैं या मैंने कर ली हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप उसमें मेरे ड्रेस से आइडियाज़ भी ले सकते हैं। मैं मोस्टली ऐसा होता है कि मैं रेडीमेड नहीं लेती, मैं कपड़े स्टिच करवाती हूं, क्योंकि मुझे दोबारा से जो रेडीमेड है उनकी दोबारा से फिनिशिंग करवानी पड़ती है और मुझे स्टिचिंग नहीं आती, तो उसके लिए मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से मैं ये होता है कि पहले से प्रिपेयर करवा के रख लेती हूँ। तो उसमें ड्रेस आइडियाज़ भी हैं आप लोगों के लिए कि आप समर के ड्रेसेज अगर सिलवाना चाहें तो वो, और बच्चों के जो आइडियाज़ हैं कपड़ों के हवाले से वो भी आप उसमें से कर सकती हैं, और मेरे हस्बैंड के भी अगर आपने अपने किसी भाई या अपने हस्बैंड के लिए आपने करनी है नेक्स्ट किसी फंक्शन में। ईद के बाद आपको पता शादियों का फंक्शन तो लाजमी आते हैं, तो आप उसमें कर सकते हैं। तो ये छोटा सा व्लॉग जो है शेयर करने का मकसद ये है कि अपनी खुशियों में मैं आप लोगों को शेयर अपनी खुशियां आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप भी मेरी खुशियों में शरीक हों। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये आइडियाज़ मेरी प्रिपरेशन किस तरह की लगी। और आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि ग्रॉसरी का जो वो सामान था वो भी मैंने उनको कैबिनेट में शिफ्ट करना था वो किया है, और कुछ शॉपिंग मॉल में थोड़ा सा शॉपिंग का रहता था, जिस तरह बच्चों के टायर्स वगैरह मेरे बैग्स वगैरह वो काम भी थोड़ा सा मेरा कंप्लीट हुआ है। और सोफ़ा के कुशन्स वगैरह रहते थे वो कंप्लीट किए हैं, अभी भी ऐसे लगता है जैसे बड़ा काम पड़ा हुआ है। चलें अभी आप लोग मेरे आइडियाज़ जो हैं ड्रेस के वो देखें, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरा फ़र्स्ट ड्रेस है जो कि मैं होपफुली फर्स्ट डे पहनूंगी, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मोस्टली यही कोशिश करती हूँ कि मैं एम्ब्रॉयडरी सूट ना लूँ, ब्रांड का सूट है, ब्रांड आप लोगों ने खुद ही सजेस्ट करना है, ब्रांड से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी ब्रांड है, किस ब्रांड का ये सूट हो सकता है, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। अच्छा जी, इसको मैंने ईगल शेप में सिलवाया है। इनका कपड़ा जो ब्रांड का होता है वो ज़्यादातर खुला होता है काफ़ी ज़्यादा। इसमें से ज़ाइना का भी सूट बना है, ये देखें जी, आगे से टेल है, पीछे से टेल है, आगे से शॉर्ट है, और दोनों तरफ से ईगल शेप में मैंने लैस लगवाई है। सूट थोड़ा सा सिंपल था, इसको ज़रा स्टाइलिश थोड़ी लुक देने के लिए फंक्शनल टाइप
लुक देने के लिए मैंने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वाली लेस लगाई है। सारा वर्क ये देखें, इसमें लेस लगी हुई है, इसका शेप में सिलवाया है। और ये इसका डॉट वाला गला है, बैन लगा हुआ है। मुझे वैसे गर्मियों में बैन वाले गले नहीं पसंद, लेकिन बाची ने अपनी मर्जी से ना ये बैन वाला गला बना दिया। मैंने कहा चलें ठीक है। अच्छा जी, ये जनाब ये बाजू हैं, ये शलवार का कपड़ा लेके सादा कपड़ा उसके दरमियान में स्ट्रिप लगा के एंड पे टाई वाली नॉट जो है ये भी मैंने लगवाई है। और बाजू मैंने थोड़े ना इसके आई थिंक क्वार्टर हैं, मैंने इसको टाइट नहीं बनवाए क्योंकि गर्मियों में खुले ही अच्छे लगते हैं। और ये जो लेस थी, लेस का जो पीस बच गया था उसमें से छोटे छोटे ये पीसेस मैंने कटवा के ये देखें छोटे छोटे बॉल्स बने हुए थे। आधी लेस जो है अंदर की तरफ लगाई हुई है बाजी ने, वो बल्कि अभी मैंने गार्ड नहीं है, वो मुझे चुभेगी। अच्छा, ये मैंने छोटे छोटे बॉल्स जो हैं, ये जनाब बाजू जो है वो थोड़ा सा स्टाइलिश बन गया, ठीक है। और ये जनाब इसका दुपट्टा, इसके दुपट्टे की वजह से मैंने इसको ड्रेस को पसंद किया है। और ये देखें, ये इसकी बैक की लुक है और बैक से दुपट्टा कुछ इस तरह, दुपट्टे की वजह से मैंने सूट पसंद किया है और बहुत ज़बरदस्त सूट लग रहा था। अच्छा जी, अब इसके बॉटम की तरफ आ जाते हैं। ये देखें जी, ये इसका बॉटम है, लाइट कलर में है। यही मैंने कपड़ा जो है वो ड्रेस पे जो स्ट्रिप्स वगैरह है, जो नॉट बनी हुई है उसी की लगवाई है। ये मैंने हुक्स बनवाई हैं, ये ज़्यादातर वैसे छोटी होनी चाहिए थी लेकिन बाजी ने अपनी मर्जी से ना ये बड़ी रख दी है। पीछे से थोड़ा सा पैंट पजामा है, ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है लेकिन पैंट पजामा ही है। तो आगे से इस तरह से लुप्स लगा दी हैं और पीछे से आगे से पजामा जो है वो शॉर्ट है, जिस तरह शर्ट आगे से शॉर्ट है मैक्सी टाइप, इसी तरह से पैंट जो है वो पीछे से, पैंट पजामा जो है पीछे से थोड़ा बड़ा है। अच्छा जी, ये मेरा सेकेंड डे का सूट है और ये भी ब्रांडेड है। और इसके भी दुपट्टे की वजह से मैंने इसको, मोस्टली ख़वातीन जो है वो दुपट्टे की वजह से सूट सेलेक्ट करती हैं, लेकिन मुझे, मैं एक और बात बता दूँ, मुझे एम्ब्रॉयडरी सूट पहन पहन के ना मैं फेड अप हो गई हूँ। अब मेरा दिल करता है ऑल ओवर हो, तो मेरे मोस्टली सूट आप लोगों को ऑल ओवर मिलेंगे या थोड़ी बहुत उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई होगी। मुझे वो जो मैसी टाइप होता है ना कपड़ा, मुझे वो नहीं पसंद। अच्छा जी, अब इसकी डिटेलिंग की तरफ आ जाते हैं। इसको मैंने स्टिच करवाया है फ्रॉक, ये भी फ्रॉक है और ये देखें स्लिट इसके बंद है। ये है जनाब, मैंने जाइना का देखा था इस तरह से, ये मैंने यहाँ से डोरियाँ डलवाई हैं। इसको जितना मर्जी आप टाइट करना चाहें तो आप टाइट कर सकती हैं, यहाँ पे भी डोरियाँ और वहाँ पे भी डोरियाँ, डोरी डोरी है ये सूट। अच्छा, उसके बाद ये मैंने मिरर वर्क आजकल बड़ा चला हुआ है, ये मैंने मंगवाया, ये मुझे मिल गया था टसल जो है ना मिरर का। और ये नीचे जनाब दो छोटे छोटे स्मॉल मिरर जो है नज़र आ रहे हैं। ये वाइट इसके साथ बॉटम है सिंपल, उसके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह या कुछ भी मैंने डिज़ाइनिंग नहीं करवाई, सिंपल है इसका बॉटम। अच्छा जी, अब इसके बाजू की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, ये मुझे ये वाले बाजू बड़े ही पसंद है, जब से इसका फैशन आया हुआ है, बल्कि इसका फैशन रुकता ही नहीं है, कभी फुल बाजू में, कभी क्वार्टर में, कभी हाफ में। तो मुझे ये ना, मैंने कहीं आइडिया देखा था तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। मैंने आगे भी, जब मैं थी शादीशुदा नहीं थी तब भी मैंने ये पहने हुए हैं, तो बहुत अच्छे लगे हैं। अच्छा, ये बाजू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये कॉटन का जो कपड़ा है, ये आगे इस तरह से ट्राइंगल बना के आगे मैंने इस तरह से स्ट्रिप लगाई है, ये बाजू की डिज़ाइनिंग है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने जो आप लोगों को दिखानी है, ये इसकी बैक है और ये दुपट्टा है, और दुपट्टे की मैंने ये इस तरह की लेस लगाई है, देखें कैसी कमाल लग रही है दुपट्टा। अच्छा, ये थर्ड डे मैं का सूट पहनूंगी, थर्ड डे का ये मेरा सूट है और ये किसी ब्रांड का नहीं है, अननोन है। मुझे अननोन भी पसंद आ जाए, मुझे बस लॉन मज़े की होनी चाहिए, लॉन का होना चाहिए सूट। तो ये सिंपल है, इसके
बैक साइड पे भी चौरस गला बना हुआ है और फ्रंट पे भी सेम, और ये सिंपल इसके बाजू हैं। और चुनरी आपको पता है सभी वुमेंस क्या गर्ल्स क्या सबको पसंद होता है। ये जनाब इसके प्लेट्स पड़े हुए हैं और इसका जो बॉटम है ये बेल में मैंने बनवाया है, ज़रा खुला खुला मैंने कहा था अच्छा लगता है। और ये जनाब इसका दुपट्टा, ये इसकी फाइनल लुक है, कुछ सिंपल भी होना चाहिए, मैंने कहा चलो इस पर कोई डिज़ाइनिंग नहीं करवाते। अच्छा जी, ये ज़ाइना का ड्रेस है, ज़ाइना का ड्रेस जो है ये उसका अपर है, वो उसका इनर है। आप इसको जो ब्लेंडर की शर्ट है आप इसको वैसे भी जीन्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ टाइट्स भी चल सकता है, इसके साथ जीन्स भी चल सकती है, और आप इनर को वैसे भी एक्स्ट्रा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके जो वो नेट है वो सॉफ्ट सी है, चुभने वाली नहीं है। और इसके नीचे भी एक ग्रीन कलर की शर्ट है। ज़ाइना की नेक अच्छी है, ज़ाइना के कपड़े बड़े ज़बरदस्त में आ चुके हैं। अच्छा मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ ताकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा जी, ये ऑफ स्प्रिंग की शर्ट है, टॉप है, तो इसके साथ वाइट पजामा है। आप इसको जीन्स के साथ भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैंने ज़ाइना का इसके साथ वाइट पजामा लिया है। ये अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, वो पजामा भी नीचे से अगर नज़र आ रहा है तो ये देखें जी, ये वाइट पजामा मैं इसके साथ इसको पहनाऊँगी तो ज़ाइना भी बड़े बड़े हो जाएगी। ये इसकी फ्रंट है, ये इसकी बैक है, बैक पे जिप लगी हुई है। अच्छा जी, ये थोड़ा डिफरेंट लगा था, ये आप जीन्स पे इसको पहनाएं, अगर आप अपनी बेटी का स्टिच करवाना चाहते हैं ये स्टिच भी हो सकता है। ये इसके जनाब बैगी स्टाइल में बाजू बने हुए हैं और ये छोटे छोटे वो टसल लगे हुए हैं। शर्ट को आप शॉर्ट करना चाहें, टाइट करना चाहें तो आप टाइट भी कर सकते हैं। इसके नीचे जनाब मैंने इसके लिए ज़ाइना की ये देखें पैंट है, ब्लू कलर की ये पैंट इसको बनाऊंगी। आप इसको वैसे स्टिच भी करवा सकती हैं लॉन के सिंपल ड्रेसेस लेके इनसे। अच्छा जी, ये इसका वाइट वैसे फ्रॉक है और फोर कॉस्ट का है, ये प्राइस मुझे याद नहीं है, प्राइस टैग में हमें बच्चों ने लगा दिया। मैंने ये ब्लैक इसकी बेल बॉटम टाइप पजामा है, मैं उसके साथ इसको पहनाऊँगी और जीन्स के साथ भी ये यूज़ हो सकता है, दोनों ऑप्शन होते हैं, मैं तो डिफरेंट चेंज करती रहती हूँ। ये भी आप अगर आप स्टिच करवाना चाहें तो ये भी स्टिच करवा देंगे। अच्छा ये भी मेरे ख्याल में ऑफ स्प्रिंग का है, ये भी ऑफ स्प्रिंग है और ये इसके बाद बने हुए अंदर नेट लगी हुई है और ब्लेंडर है, ऊपर फॉरएवर लिखा हुआ है और ब्लैक कलर है। ये मैं इसको जनाब वाइट टाइट्स के साथ भी अच्छा लगेगा, पिंक टाइट्स के साथ भी अच्छा लगेगा और जीन्स के साथ भी अच्छा लग सकता है, ठीक है। ये इसकी बैक। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ज़ुहैर की तरफ। ज़ुहैर जी, ये वाइट शर्ट है, सिंपल कुछ भी नहीं बना हुआ इसके ऊपर, सिर्फ आर बना हुआ है और ये साथ इसको जीन्स की शॉर्ट पहनती है, थोड़ी सी लॉन्ग है शॉर्ट से वो पहनाऊँगी मैं इसको। पैंट्स जो है वो बड़ा कम गर्मियों में पहनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि लड़के जो है ना वो शॉर्ट्स यूज़ करें। अच्छा जी, ये जीन्स की इसकी ब्रेकआउट की शर्ट है और इसके नीचे इनर भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और मुझे जीन्स बहुत पसंद है लड़कों के लिए, स्टफ़ इसकी बड़े मज़े की लगी थी। ये आप नॉर्मल मौसम में भी बना सकते हैं, कैजुअल सेमी कैजुअल भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जनाब ये फर्स्ट डे पहने लगा। अच्छा जी, ये वैसे ब्लू एक्स्ट्रा शर्ट है जो कि ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक शॉर्ट के साथ ज़बरदस्त लगेगी। अच्छा, ये उसका इनर है, वो जो ब्लू है इसके साथ भी बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ब्लू जीन्स जो है उसके साथ ये इनर था और ये स्लीवलेस था, तो ये ज़ुहैर फर्स्ट डे पहनेगा ब्लू जीन्स वाला। ये इसकी शलवार कमीज है जो कि इसके ताई मामा ने इसको गिफ्ट की है ईद पे, छोटी ईद पे, तो होपफुली बड़ी ईद पे भी ये काम आ जाएगी। ये थे ज़ुहैर का ड्रेस। अच्छा जी, ये मेरे हस्बैंड की फर्स्ट है, आई थिंक वो पहनेंगे। ब्लू कलर की गूगल की शर्ट है, ये रेड और ब्लैक में इसकी एम्ब्रॉयडरी टाइप हुई है कॉलर पे एंड तक, और कलर बड़ा डिसेंट है, मुझे ब्लू कलर मर्दों के लिए बड़ा अच्छा लगता है। इसके साथ ब्लैक पैंट है, ये आप लोगों को नीचे नज़र आ रही है, जीन्स की पैंट है। ये फर्स्ट डे पहनेंगे ईद के, ये इसकी फाइनल। मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी इस वजह से दिखा रही हूँ, अपनी जो मेरी ज़रूरी थी, मेरा तो वीलॉग था तो इन लोगों की ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा जी, ये वाइट शर्ट है,
ये कुर्ता स्टाइल शर्ट है, इसके नीचे जो आपको शर्ट नज़र आ रही है वो इसका इनर नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा मेरे घर में स्लीवलेस टाइप शर्ट है। ये भी जनाब, ये भी कूगर की है और कपड़ा बड़ा मज़े का है। कूगर के जो स्टफ़ है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। मेरे हस्बैंड जो है मोस्टली इन्हीं के था डाइनर्स के, कूगर के, यूनिवर्स के, इन्हीं के पहनते हैं। तो ये ब्लैक जीन्स के साथ भी अच्छी लगेगी, ब्लू जीन्स के साथ भी अच्छी लगेगी, डार्क ब्लू के साथ डिफरेंट कलर जो है वो उसमें यूज़ हो सकते हैं। ये इसकी बैक साइड है। अच्छा जी, ये जनाब ये कैजुअल सी शर्ट है ब्लू कलर की, और ये मेरा फेवरेट कलर है, ये मेरे ही इंसिस्ट करने पे इन्होंने लिया था। और ये नीचे जनाब लाइट कलर की बैंड नज़र आ रही है, ये इसी का कंट्रास्ट है। ये थर्ड डे पहनेंगे, कुर्ते वाला सेकेंड डे और ब्लू वाला फर्स्ट डे, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरा बैग है और ये मैंने इस लॉक की वजह से ये बैग लिया क्योंकि मैंने कभी लॉक नहीं देखा। अच्छा जी, इस लॉक के लिए ही मैंने थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लगा था तो मैंने कहा ये मैं बैग ले लेती हूँ। ये वाकई ही लॉक है, इसको खींचेंगे तो ये खुल जाता है, ये देखें, और इसको खींचेंगे तो ये बंद हो जाता है, ठीक है। ये इसकी चेन लगी हुई है, एक्स्ट्रा चेन भी है। लाइमलाइट का ये बैग है और रिजनेबल प्राइस पर मुझे मिल गया। लाइमलाइट पर वैसे सेल भी लगी हुई है। अच्छा जी, ये हम लोगों के शूज़ हैं, मैंने इकट्ठे ही रख दिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो शॉर्ट बने और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ अपनी जो तैयारी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा जी, ये मेरे शूज़ हैं, ये मैंने छोटी ईद पे लिए थे लेकिन मैंने तब यूज़ नहीं थे कि ये स्ट्रिप्स वाली, मुझे स्ट्रिप्स वाली सैंडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा हील नहीं है, नॉर्मल हील है, गिरने का अच्छा नहीं है, इस वजह से इसी तरह की हील यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये ज़ाइना का खुशा है, ज़ाइना मुझे कह रही थी मामा आप भी मेरे साथ लें लेकिन मुझे इस तरह का सिंपल खुशा नहीं मिला। और ये दरमियान में ज़ाइना के कैजुअल शूज़ हैं, ये ज़ुहैर के शूज़ हैं जो कि उसके बाबा ने पसंद किए हैं, और इसके अलावा उसके सैंडल भी है, सैंडल मुझे निकाल ली याद नहीं रही। अच्छा, ये मेरे हस्बैंड के शूज़ हैं। अच्छा जी, ये हमारे